नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर में खाद व्यवसायी के पुत्र के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से जिले के खाद बीज व्यवसायियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना के विरोध में जिले भर के खाद बीज व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रख कर आक्रोश जताया है। दुकानें बंद रहने के कारण बाहर से आए किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। मालूम हो कि गुरुवार को अपराधियों ने भवनाथपुर के खाद व्यवसायी अनुज देव सिंह के पुत्र शिवम की गोली मारकर हत्या कर दी, उस समय जब वे पैसे जमा कराने के लिए बैंक जा रहे थे। घटना के बाद अपराधी शिवम के पास 25 लाख रुपयों से भरी थैली लेकर फरार हो गए। घटना के विरोध में खाद बीज व्यवसायी संघ का एक शिष्टमंडल अपर समाहर्ता से मिला और ज्ञापन देकर हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञापन में साफ कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूरे जिले के खाद बीज व्यवसायी अनिश्चितकालीन के लिए अपनी दुकानें बंद कर देंगे। साथ ही व्यापारियों ने प्रशासन से भी सुरक्षा की मांग की है। बताया जाता है कि मृतक शिवम के पिता अनुज देव सिंह के साथ इससे पहले भी लूटपाट की गई थी, जिसमें उनसे 5 लाख रुपए छीन लिए गए थे। एक साल के अंदर दूसरी घटना हुई। सारी बात सर जो भी हम लोग लेना चाहेंगे लाइक करके आपको हम लोग लगता चौकते भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर व्यवसायी थे और ऐसे घटना हो गई है 5 तारीख को खेरैया में, तो उसी सिलसिले में आए थे। तो पिछली बार भी एक साल पूर्व ऐसी घटना हुई थी तो उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए इसको संज्ञान में देते हुए इसमें कार्रवाई आवश्यक की जाए और इसीलिए गिरफ्तारी की जाए ताकि जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन्हें हिरासत हो। इसी सिलसिले में आए थे और ज्ञापन इन्होंने दिया है और मैं आश्वस्त किया है कि चूँकि अभी स्कूल वगैरह बंद है तो वो बच्चा वहीं काउंटर पे भी इस समय खाद की बीज की कीटनाशी दवा की बहुत ज्यादा बिक्री है और उनके काउंटर पर दुर्गा माई का मेला जो लगता है उस टाइप से मेला लगा रहता है और स्टाफ पर इतनी रकम का भरोसा करना उचित नहीं आज के समय। इसीलिए के बाद उस टाइम में हम लोगों ने उन्होंने थाना प्रभारी से या जो भी पदाधिकारी है उनसे बहुत मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन आज तक उनमें से एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग SP साहब के यहाँ जा रहे हैं, DM साहब के यहाँ दे दिए हैं, सूचना दे देते हैं। यदि एक सप्ताह के अंदर 15 दिन के अंदर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं, हम लोग को अगर उचित न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मेरा संदीप फर्टिलाइजर एजेंसी भागलपुर।